बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों हम जैसे ही आसमान की तरफ देखते हैं हमें चारों तरफ कोई ना कोई आकृति दिखाई देती है। कभी सूर्य बादल तो कभी चंद्रमा और तारे। इनमें कितनी एकजुटता है कि सब एक साथ ही रहते हैं बिना झगड़े। जिस जगह से हम इन्हें देखते हैं उसे हम पृथ्वी कहते हैं और आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे भी। आज के इस पाठ का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। बच्चों क्या आपको आश्चर्य नहीं होता जब आसमान में सुबह तो केवल सूर्य दिखाई देता है किंतु रात घिरने के साथ ही चंद्रमा एवं तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा सूरज की तेज चमक के कारण होता है। रात को दिखने वाली चीजों में से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए लगते हैं और कुछ बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के जैसे चमकते हैं। चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप चंद्रमा का आकार भी घटता बढ़ता देखेंगे। लगभग एक महीने में चंद्रमा को एक बार पूरा गोल देखा जा सकता है। इसे ही पूर्णिमा भी कहते हैं और ठीक इसके 15 दिन बाद नए चंद्रमा की रात्रि होती है जिसे अमावस्या कहा जाता है। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बच्चों कुछ खगोलीय पिंड बड़े एवं गर्म होते हैं और इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होती है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात में दिखने वाले अनगिनत तारे भी सूर्य की ही तरह हैं, किंतु अत्यधिक दूरी होने के कारण ये हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं और इसी वजह से उनकी ऊष्मा हम बहुत अधिक महसूस नहीं कर पाते हैं। रात्रि में हम ये अक्सर देखते हैं कि कुछ तारे मिलकर एक अलग प्रकार की आकृति बनाते हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी के एक प्रकार हैं। सप्तर्षि जो 7 तारों का समूह होता है वो भी अर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है। बच्चों प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की दिशा से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ही ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में एक स्थान पर ही स्थित रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से इस ध्रुव तारे को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ऐसे ही पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं ये ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और इसी को एक वर्ष भी कहते हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान ही हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह और हैं जिन्हें अपनी ऊर्जा और प्रकाश सूर्य से ही मिलती है। बच्चों सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिनका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से बना है। यह ऊष्मा और प्रकाश का एक विशाल स्रोत है। इसकी ऊष्मा हमें इतनी महसूस नहीं होती है
क्योंकि यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरियों के अनुसार इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसे चक्कर लगाने में सबसे कम 88 दिन लगते हैं। आकार एवं आकृति से समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बच्चों, इन ग्रहों में अगला क्रम प्लूटो का था, किंतु 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय के बाद प्लूटो को बौना ग्रह कहा जा सकता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के आकार को भू आव कहा जाता है क्योंकि ध्रुव के पास ये थोड़ी चपटी है। वायु और इसमें मिश्रित जीवन उपयोगी गैस जैसे ऑक्सीजन इत्यादि जीवन के अनुकूल वातावरण जैसे ना तो अधिक ठंड ना ही अधिक गर्मी, इसके साथ यहाँ पानी की उपस्थिति, यह परिस्थितियाँ इसे रहने योग्य एवं अद्भुत बनाते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर यह पानी की 2/3 मात्रा से ढके होने के कारण नीला दिखता है, इसलिए ही इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को देखने पर कुछ उत्सुकता जरूर होती है, आइए इसका समाधान करते हैं। तो बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। क्योंकि ये अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए ही ये बड़ा दिखाई देता है। यह लगभग हमसे 384,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना की जा सकती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इस वजह से ही हमें इसका केवल 1 भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। बच्चों, पृथ्वी तारों के अलावा भी असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहों के ही भाग हैं जो कई वर्षों पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए हैं। उल्कापिंड पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी तो यह पृथ्वी के बेहद नजदीक आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये गिर जाएंगे, लेकिन वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये जल जाते हैं जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये बिना जले ही गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। बच्चों, आसमान में एक चौड़ी सफेद पट्टी दिखती है जिसमें करोड़ों तारे, बादल और गैस समाहित रहते हैं। इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। इसके बहाव स्वरूप को देखते हुए इसकी आकाश में प्रकाश की बहती नदी से तुलना की गई है, इसी कारण से आकाश गंगा कहा गया है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसकी विशालता को खोजने में लगे हुए हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न एक, चंद्रमा और पृथ्वी में किस प्रकार का संबंध है? प्रश्न दो, क्या पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश है? प्रश्न तीन, सूर्य और तारों में क्या संबंध है? प्रश्न चार, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? प्रश्न पाँच, उल्का पिंड किसे कहते हैं? प्रश्न छः, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है? बच्चों, प्रश्नों के उत्तर हैं। उत्तर एक, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। उत्तर दो, पृथ्वी को प्रकाश सूर्य और तारों से मिलता है। पृथ्वी के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है। उत्तर तीन, सूर्य और तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। सूर्य खुद भी एक तारा है। उत्तर चार, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। उत्तर पाँच, उल्का पिंड पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उत्तर छः, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 384,400 किलोमीटर की दूरी है। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।